हेलो फ्रेंड, पॉइंटर के इस ट्यूटोरियल में आपका बहुत ही स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंटर सी लैंग्वेज की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको जाने बगैर आप एक अच्छे सी डेवलपर नहीं बन सकते। कुछ स्टूडेंटों का मानना है कि पॉइंटर ही बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है एंड इसे समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन दोस्तों पॉइंटर बहुत ही आसान टॉपिक है और हम इसको बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पॉइंटर क्या है। तो बेसिकली दोस्तों, पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसका एक डेटा टाइप होता है, जिसका एक नेम होता है, और पॉइंटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रजिस्टर का, फंक्शन का, एरे का, वेरिएबल का या किसी अदर पॉइंटर का हम एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। मतलब पॉइंटर का यूज एड्रेस स्टोर करने में होता है। तो हम ये कैसे करेंगे, तो ये हम आगे अभी लेक्चर में देखेंगे कि हम पॉइंटर का यूज एड्रेस को स्टोर करने में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सी लैंग्वेज में सबसे पहले वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर करना होता है। मीन्स दैट हमें बताना पड़ता है कि भाई हम इस टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पॉइंटर को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने का हम सिंटैक्स देखते हैं कि पॉइंटर को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि पॉइंटर के पास एक डेटा टाइप होता है और एक नाम होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली जिस एड्रेस को उसने स्टोर किया है उसके वैल्यू को एक्सेस करते हैं यूजिंग द इनडायरेक्शन ऑपरेटर, और यू कैन से दैट एस्टरिस्क सिंबल। तो जब भी हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डेटा टाइप हमें बताना पड़ता है कि पॉइंटर का टाइप क्या है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एस्टरिस्क सिंबल राइट करते हैं एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पॉइंटर का नाम बताते हैं। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने तीन टाइप के पॉइंटर बनाए हैं, आई डेटा, सी डेटा एंड एफ डाटा। आई डाटा एक इंटीजर पॉइंटर है क्योंकि इसका डेटा टाइप इंटीजर है। मतलब आई डाटा के थ्रू मैं क्या करूंगा, किसी भी इंटीजर वेरिएबल को, एड्रेस को मैं स्टोर कर लूंगा। सी डाटा एक कैरेक्टर पॉइंटर है, मतलब सी डाटा के थ्रू मैं किसी भी कैरेक्टर के वेरिएबल को स्टोर कर सकता हूँ। उसी तरीके से एफ डाटा एक फ्लोट पॉइंटर है, मतलब मैं एफ डाटा के थ्रू एक फ्लोट वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता हूँ। दोस्तों सी में हमारे पास जेनरिक पॉइंटर का भी ऑप्शन है, हम उसे आगे के लेक्चर में देखेंगे। इस इमेज को आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने एक क्या किया है, एक पीआई डाटा एक इंटीजर पॉइंटर बनाया है और मैंने एक प्राइस एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है। जब भी हम वेरिएबल या पॉइंटर बनाते हैं तो कंपाइलर उनको एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। तो जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, आई प्राइस का ये एड्रेस है और पीआई डाटा का अपना एड्रेस है, ठीक है। जब हम ये स्टेटमेंट राइट करते हैं तो प्राइस का एड्रेस पीआई डाटा में स्टोर हो जाता है। आपको इस इमेज से क्लियरिटी हो रही होगी कि अभी पीआई डाटा आई प्राइस के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। एम्परसेंट एक एड्रेस ऑपरेटर है जिसके हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल, फंक्शन, एरे का एड्रेस फिच कर सकते हैं। तो आइए इन सभी को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझें।
दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है। अब हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट डेटा। जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा वेरिएबल या पॉइंटर को इनिशियलाइज कर देना चाहिए। कभी भी हमें डिफॉल्ट वैल्यू पे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंट डाटा को एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ। हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ, इंट ptr। यहाँ पे भूलने की जरूरत नहीं है, हमें इंडायरेक्शन ऑपरेटर भी लगाना है। ये इंडायरेक्शन ऑपरेटर बताता है कि ptr एक पॉइंटर है जिसका टाइप इंटीजर है और हम इसे नल पॉइंटर से इनिशियलाइज कर देंगे। हम आगे देखेंगे कि नल पॉइंटर का इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, सिंपली हमें क्या करना है, पॉइंटर के नेम को राइट करना है और उसके बाद एम्परसेंट ऑपरेटर मीन दैट एड्रेस ऑपरेटर, किस लिए, वेरिएबल के एड्रेस को फेच करने के लिए। और हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नेम राइट कर देंगे। ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि डाटा का एड्रेस ptr में स्टोर हो रहा है। अब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे कंसोल पे प्रिंट करके देखें। एड्रेस प्रिंट करने के लिए हमारे पास बहुत ही फॉर्मेट स्पेसिफायर अवेलेबल है सी में। हम परसेंट यू यूज कर सकते हैं, परसेंट एक्स यूज कर सकते हैं या परसेंट पी यूज कर सकते हैं। यहां पे मैं परसेंट यू यूज कर रहा हूं, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम राइट कर दिया है। यहाँ पे मैंने क्या राइट किया है, एम परसेंट डाटा। ये क्या करेगा, डाटा वेरिएबल के एड्रेस को फेच कर देगा यहाँ पे। और दूसरे ही लाइन में मैंने ptr के वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश की है। तो आइए हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइल करेंगे। आप F9 शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। यहां पे कोई जीरो, यहां पे कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं कि जो ptr है उसने सेम एड्रेस को स्टोर किया है। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि पॉइंटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि पॉइंटर के थ्रू हम कैसे किसी वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।